बस अब फोटोग्राफर बड़े काम का आदमी होता है, उससे आपको पता चलता है कि पीछे देख के बाद में इस शादी से कौन कौन खुश नहीं था। बट सम रिलेटिव्स आर गुड एक्टर्स, दे स्माइल। उधर थे कुछ लोग, अरे साढ़े सरदारों में मंडा नहीं मिला यार, यही मिला इनको, यही मिला पंडितों में, आए आए ब्राह्मणों में नहीं कर सकते थे क्या है? अच्छी लड़कियां मर गई हैं क्या, ब्राह्मणों में कर लेती? मैंने कहा डॉक्टर, मैं सिर्फ बीकॉम, वो डॉक्टर मुझसे उम्र में 10 साल छोटी, ये मेरे लिए जो रात को वो टेली शॉपिंग नेटवर्क आता है ना, अभी लीजिए, अभी के अभी, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, अभी डायल कीजिए, उठाइए उठाइए। अरे कितनी भी समझदार लड़की हो, लाइफ में एक ना एक टाइम पे सही गलत डिसीजन का फैसला नहीं कर पाती, ये उसका वही टाइम था जिसमें मैं मिल गया। मैं करो 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 अभी, तुम्हारे कहने में कौन चलेगा भाई? बोले खाने में प्याज लहसुन भी है, मैंने दही का पैकेट दे के नान पहुंचाओ टेंट के पीछे, चलो उत्तम व्यवस्था नहीं है भाई। रिश्तेदारों ने जा जाके लिफाफे देने शुरू किए, बोले लीजिए, बहुत अच्छा। अरे दीदी अब क्या, शादी जब नई नई होती है तो यहाँ गालों की हड्डियों में दर्द हो जाता है हर आदमी, माय गॉड कांग्रेचुलेशन, तुम तो एक बार बोल के चले जाओ, मुझे 500 लोग बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू। एक हफ्ते बाद तो है कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। कुछ ज्यादा खुशी की बात नहीं है, शादी पर लिफाफे वफाफे लेके हम अपनी कुर्सी से उतरे तो रिसेप्शन का केक काटने के लिए आया, हम रिसेप्शन का केक काटने आगे बढ़े, इतनी देर में गांव की एक चाची, आए आज लड़की का बर्थडे भी है क्या? बर्थडे नहीं यार, रिसेप्शन का केक कट रहा, दही देके टेंट के पीछे डालो इन्हें। अरे हमारी बैकग्राउंड में बहुत फर्क है यार, उसके क्लासमेट है पर वो राज कहाँ है? He's working with Bank of America in New York. Where is Rohan? He's managing funds in Singapore. हाँ यही लोग केक वेक लेके आए थे, हमारी एल्यूमनाई की हमने का बात नहीं छिड़े तो अच्छा है। एक ने फिर भी पूछ लिया, बोले और आपका सुरेंद्र कहाँ है? अब सुरेंद्र का तो मर्डर हो गया। कार कनाडा में ट्रक चला रहा है 22 डॉलर घंटे को, मैं तो चुटकुले सुना रहा हूँ, यही एलुमनाई है हमारी, इससे आगे कुछ है नहीं, बैकग्राउंड का फर्क है यार। मैं मेरी बीवी क्रिसमस पे निकले बैंड्रा में चर्च के सामने से, उसने स्कूटर के पीछे बैठे बैठे वो गाना शुरू कर दिया, वो गाते ना वो क्या बोलते हो उसको, हाँ हाँ, मैं कह ये बड़ा अच्छा, ये कहाँ सीखा? अरे ये तो हमारे स्कूल में प्रेयर होती थी, तुम्हारी नहीं होती थी ना? मेरा मन किया मैं कहूँ लक्ष्मण सबकी नहीं होती, लक्ष्मण हमारे स्कूल में की प्रेयर हमने याद की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हमारे स्कूल वाले को पता था हमारे यहाँ पढ़ने के बाद मन का विश्वास कमजोर हो गया, नौकरी नहीं मिलेगी, दर दर भटकोगे। तमीजदारी होती है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है अगर कॉन्वेंट स्कूल में, मिस्टर शर्मा आप लीजिए, मिसेस सुजानो नो, यू हैव ग्रिल्ड वेज सैंडविच पैटीज लीजिए। हमारे यहाँ तो आपका लौंडा जुआ खेलते पकड़ा गया, किसी अभिभावक को बुलाकर लाए तथा उचित जुर्माना भरा जाएगा। तो हमारे यहाँ एक लड़का था अमरजीत सिंह सरदार,
जो हरामखोर हमें एम्बेरेस करने के लिए नवी क्लास में 6 फुट 2 इंच का हो गया था। कोई होता है क्या इतना लंबा इतनी जल्दी? मैं अब तक नहीं हुआ। तो अमरजीत जुआ खेलते पकड़ा गया था, थे उस क्लास में हम भी, जुआ हम भी खेल रहे थे, लेकिन अमरजीत लंबा था, हम टेबल के नीचे से भाग गए। तो हाइट की डिसएडवांटेज वहां हुई। अमरजीत को बोला किसी को बुला के लाना, वो था सैंड माफिया वालों का लड़का, उसने कहा अमरजीत को बुला के लाना किसी को। अमरजीत ने क्या किया, अमरजीत ने अपनी कास्टिंग बहुत बढ़िया की, एक रिक्शे वाले को पकड़ा जिसकी हाइट थी 6 फुट, उसको पगड़ी बांधी, नहला दुला के लेरेल के साबुन दिया, 100 रुपए दिए कि चल तूने चाचा बन के चलना है, 100 रुपए दिए और लेरेल के साबुन से नहलवा दिया ताकि अच्छी खुशबू में महके। उसने 100 में 13 रुपए की देसी शराब की थैली खरीदी और एक अलग प्रकार की खुशबू से महकने लग गया और वो पहुंचा स्कूल में चाचा बन के। क्लास में जैसी घुसा यूं अमरजीत ने यूं कोहनी पे से पकड़ रखा चाचा को, जैसे ही ये क्लास में घुसे 10 सेकंड बाद पीछे से असली बापर चाचा जो और भी लंबे चौड़े हैं, सफारी सूट पहन के ग्रे कलर के, यहाँ माउजर। क्लास में घुसते ही उन्होंने ऐसे हाथ रखा, मैं तो आया ही नहीं था, मेरी अटेंडेंस भी नहीं, मैं तो लेट ही आता हूँ, मैं आया ही नहीं था आज क्लास में, कोई मर्डर हुआ मैंने नहीं देखा। पूरी क्लास पानी ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, सब चुपचाप सांस खींच के। अब अमरजीत और रिक्शे वाले को दिख रहे हैं श्रीवास्तव जी 5 फुट 5 इंच के, उन्हें दिख रहे हैं अपने से लगभग 1 फुट लंबे 4 सरदार, अमरजीत रिक्शे वाला बाप और चाचा। इतने सारे सरदार देख के जो यूपी के श्रीवास्तव जी उनके मुंह से पंजाबी निकल गई, बोले एक किनाजा पुत्र है। जैसे ही अमरजीत ने कहा एनादा, बाप ने प्रॉपर फुटवर्क के साथ ऐसे करके एक झापड़ मारा रिक्शे वाले में और वो ऐसे गिरा जैसे साउथ इंडियन पिक्चर में टप्पा खा के यूं 2 बार उछला और सो गया। चाचे ने 4.5 सेकंड बाद ही एक थप्पड़ दिया अमरजीत में, पगड़ी उसके भी बंदी पर उसे पता है कि कहाँ मारूं तो चोट लगेगी, हाथ ढीला करके गर्दन पे दिया। पर अमरजीत की मैं तारीफ करूंगा, क्रिमिनल माइंड लौंडा, थप्पड़ पड़ा उसने पीछे नहीं देखा, बिजली सी चमकी होगी उसके अंदर, थप्पड़ पड़ा और उसने 2 जंप मारी इधर, 1 और 2 और क्लास से बाहर। उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, उसे अंदाजा था कि क्या हुआ होगा, वो तो मोबाइल फोन वाले कैमरे नहीं आए थे, नहीं तो ये लौंडा यूसेन बोल्ट से आगे का रिकॉर्ड कर जाता। वो दीवार जैसे कूदने में हमें एटलस की साइकिल लगती थी, उसके बाद भी यहाँ से रगड़ के शर्ट गंदी होती थी, वो उस पर 3-2-1 करके कूद के बाहर, जान पे बन के आती है, आदमी कुछ भी करता है। ये थे हमारे बैकग्राउंड के फर्क। बीवी की बैकग्राउंड क्या, सरदारों की, उन्होंने कहा भाई दुनिया का मैप उठा लो और ये 2-3 जगह पे निशान लगाओ, यहाँ हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। मेरी गाजियाबाद के आगे रिश्तेदारी नहीं है, मैं पहला हूँ अपने खानदान का वास्को-डा-गामा जो यहाँ समंदर तक मुंबई में आया।